जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आया है, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, जिसके पास सिद्धि होती है उसको कैसे अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए, कैसे हम जी सकते हैं, क्या हमें सुबह से रात तक कामों में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों से बच के रहना चाहिए। तो आप इस चीज़ पर ना वीडियो बना दो ताकि हम सब लोगों को एक मदद मिल जाए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने जितना अपने गुरु से और मैंने जितना अपने देवी देवताओं से सीखा है, मैं उतना आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं बहुत छोटा हूँ अभी बताने के लिए, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको जरूर आपकी मदद करूंगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, नहीं पता होता, चलो मेरे पास गुरु है या मेरे पास जो भी मेरे मदद करने के लिए लोग हैं, वो मुझे बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास भी रहे, राइट? तो मैं जो करता हूँ फिलहाल वो मैं बता देता हूँ। देखो, मेरे घर में भी बाहर से सामान आते हैं, मुझे बाहर जाना पड़ता है, मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, राशन लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा आप लोगों को भी करना पड़ता है। एक सिद्ध पुरुष होते हैं जो हिमालय में जाके अपनी तपस्या को कंटिन्यू करते हैं, और एक सिद्ध पुरुष होते हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जी रहे हैं, बच्चे हैं घर में, मॉम डैड है, फिर भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, सिद्धि है उनके पास, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, तो एक लाइफ वो भी होती है, ठीक है? तो दोनों लाइफ अलग होती है। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सिद्धि है और आपके भी कोई हस्बैंड है या वाइफ है या घर में सब लोग हैं और आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपके पास सिद्धि है, तो ऐसे कौन से काम है जो करने से बचा जाए? बहुत सारे काम होते हैं जो मैं भी बचने की कोशिश करता हूँ, और मैंने भी एक बाउंड्री लगा रखी है कि मैं उन लोगों से और ऐसे तरीके से चीज़ों से बच के रहूँ। आप लोगों को भी ये ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। तो आपकी वजह से बहुत लोगों की मदद भी हो जाएगी, ठीक है ना? तो पहली चीज़ है कि अगर मान लो कि आप 3D लाइफ में भी जी रहे हो और आपकी मजबूरी है कि आपको पैसे भी कमाने हैं, फैमिली भी देखनी है, लेकिन आप साइड बाय साइड अपनी पूजा पाठ को भी जारी रखना चाहते हो और उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, और आप उसको नहीं छोड़ पाओगे, तो आप कैसे छोड़ पाओगे? तो पहला आपको सर्कल बनाना है अपने ग्रुप का। अपने ग्रुप मतलब आपको ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो आपको पहले ये काम करने से पहले बचना चाहिए कि जो मेरा सर्कल है, जिन लोगों के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ ऑफिस में या मेरा बिजनेस है, कुछ भी है, तो वहाँ आप मिलते हो हजारों लोगों से, पूरे महीने में आप इतने नए नए लोगों से मिलते हो, पुराने लोग आपके फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। तो आपको एक बाउंड्री वहाँ पे सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना? तो जितना हो सके उतना अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, सिद्धि होने के बाद भी मनुष्य नेगेटिविटी में चला जाता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं।
क्योंकि कलयुग चल रहा है और नेगेटिविटी का ही बोलबाला है। तो जितना हो सके आप अपने पॉजिटिव ऊर्जा को बचा के, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को संभाल कर रखिए। मैं समझ सकता हूँ कि लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत होता है, और आप घर पे आइए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए और अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक या दो बार ही सही अपने ऑरा पे काम करना चाहिए। हर किसी को, जो मेरे क्लाइंट है, मैं उनको ये सब कुछ बताता रहता हूँ कि अपना और अपने घर का शुद्धिकरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हाईलाइट चीज़ें हैं ना, वो मैं कवर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है खान पान। खान पान में जो भी सिद्ध पुरुष वाले हैं, उनको सात्विक, जितना हो सकता है वो सात्विक रहने की कोशिश करिए। सात्विक इन द सेंस, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप दाल चावल पे आ जाइए, या ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, हम बहुत ज़्यादा भागम दौड़ करते हैं और हम लोग यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है, तो दाल चावल से हमारा बॉडी नहीं चल पाता। तो सात्विक रहने का मतलब है आप जितना जितना अच्छे से चाहे अपने आप को प्योर रखिए, घर के खाने पर रखिए, और अपना जो स्टमक होता है उसको अंदर से क्लीन करने की कोशिश कीजिए। और अगर स्टमक क्लीन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके चक्रों में गंदगी और भी ज़्यादा बैठ जाती है। ठीक है, तो जितना हो सकता है घर के खाने पे रहिए। वीक में एक बार थोड़ा आपने खा लिया, या वीक में आपने दो बार मसाले वाला जंक फूड खा लिया, या विच इज़ नॉर्मल, ठीक है, लेकिन तभी खाइए बाहर का, जब आपकी सिद्धि आपको अलाउ करे। ठीक है, क्योंकि सिद्धि अगर अलाउ नहीं कर रही और वो आपको कह रही है कि आप बाहर का नहीं खा सकते, तो आप नहीं खा सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो तकलीफ पहुंचाएगी, या फिर बाहर का खा रहे हो वहाँ से कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको अगर उसको क्लीन करना आ रहा है तो दैट विल बी ओके, तब आप खा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज खाओ, वीक में एक बार ज़रूर खा सकते हैं। तो खाने पीने पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है सिद्ध पुरुष वाले को, जो सिद्धि वगैरह लेकर चलते हैं रोज अपने कामों में। तो उनको बहुत ज़्यादा सर्कल पे और अपने खान पान पे ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट है कि आप अपने लेवल को हाइजीन रखो, अपने बॉडी को, अपने आत्मा में जितना हाइजीन रख सकते हो उतना हाइजीन लेवल पे रहना चाहिए आप लोगों को। हर चीज़ का एक प्रायोरिटीज़ होती है, जैसे पानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पानी का यूज़ ख़त्म हो जाता है तो पानी फेंक देते हैं, खाने का यूज़ ख़त्म हो गया तो पेट भर गया थाली में, खाना बचाया तो वो फेंक दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें, जितना आवश्यकता है आपको उतना ही ले और उतना ही खाए। थोड़ा कम खाए तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा खाने के चक्कर में ज़्यादा ले लोगे तो फेंकना ही पड़ेगा, एक पाप आप वहाँ पे भी भोग लोगे। तो क्या होता है, सिद्ध पुरुष वाले लोगों को ये पाप और पुण्य का बहुत ही ज़्यादा तालमेल लेकर चलना पड़ता है। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो 2 मिनट के बाद, 2 महीने के बाद या 2 दिन के बाद आपको तुरंत, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिद्धि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपकी सिद्धि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको 2 या 3 दिन में आपको आपके कर्मा
रिटर्न बैक मिल जाएंगे और आपकी सिद्धि स्ट्रांग नहीं है तो 2 महीने या 2 साल में आपको रिटर्न कर्मा मिलते हैं। ठीक है, आप मानो चाहे मत मानो, आप किसी के पैसे ठग लो, आप किसी से काम करवा लो, उससे झूठ बोल दो, उसका दिल दुखा दो, उसको गुस्सा करवा दो, या मतलब एनीथिंग एल्स कि आप अगर किसी सामने वाले इंसान को, फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कितने प्योर होते हैं, अगर आप उनको बोलोगे कि हाँ बेटा ये काम कर दो, आप मैं तुमको बदले में चॉकलेट दे दूंगा, तो बच्चे ने तो अपना काम कर दिया तो आप उसको चॉकलेट क्यों नहीं दे रहे। तो फिर जब वह बच्चा आपके पास चॉकलेट मांगने के लिए आएगा, आप उसको बोलोगे कि अरे चल हट, मैं क्यों दूंगा तेरे को, अपने में पैसे क्यों बर्बाद करूंगा। तो ये कर्मा होता है, किसी भी सच्चे इंसान का दिल आपको नहीं दुखाना है। जो भी सिद्ध पुरुष है, जो जिनके पास भी सिद्धि चल रही है, डाउट भी है ना कि आपके पास सिद्धि चल रही है, तो आप अपने कर्मा पर फोकस करना शुरू कर दो अभी से ही, अभी से। नहीं तो यहाँ से आपने किया और वहां से आपका निकल जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको मैंने ये 3 पॉइंट कवर कर लिया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़ है कि अपनी कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी है। जितने भी सिद्ध पुरुष लोग हैं, अपनी कोई भी चीज़, यहाँ तक कि टूटे हुए बाल, टूटे हुए कटे हुए नाखून, अपने फटे पुराने कपड़े किसी को भी नहीं देने हैं, इवन आपने अपने वाइफ और बच्चे के अलावा। ठीक है, अगर आपका बाहर का कोई इंसान आता जाता है और उसके आने जाने पर कुछ आपको तकलीफ होती है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपके कपड़े, आपके नाखून, या उन्होंने कुछ खाने के लिए लाया होगा तो वो तो नहीं खा लिया आपने। तो आप इस चीज़ पर ज़रूर नोटिस कीजिए कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अचानक से जॉब तकलीफ आ गई है, हेल्थ इशू हो गए हैं, स्ट्रेस हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी में इतना अच्छा चल रहा है, तो मैं फिर से नीचे चला जा रहा हूँ, गिरते जा रहा हूँ, और नहीं हो रहा है कोई भी काम, क्यों नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। जिनके पास सिद्धि होती है, जो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके देवी देवताओं के अकॉर्डिंग चलना होता है, और देवी देवता बहुत ही ज़्यादा प्योरिस्ट फॉर्म में है और वो बहुत ज़्यादा प्योर रहते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है। और इवन आप अगर उनको देखोगे, अगर आपने उनको बहुत अच्छे से समझा होगा, तो वो मोह माया से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन मोह माया आपके साथ ज़रूर खेलेगी इस जर्नी में। कब खेल देगी, क्या खेल देगी, कुछ आइडिया नहीं है। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ये रियली है, मेरा बैग फट गया था 6-7 महीने की पहले की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जाता हूँ, मैं एक बैग ले लेता हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है, तो सामान ज़्यादा होता है ट्रैवलिंग करने में, लैपटॉप डालने में, तो बाहर जा रहा था तो मैंने बैग लेने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऑनलाइन चेक करा और सेल चालू था, मैं गया, मैंने चेक किया, सब कुछ क्लोज था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ, इवन मॉल भी क्लोज था उस समय। और मैं यहाँ से सोचा कि कहीं और से चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ से फिर 1 घंटा ट्रैवल करके दूसरे मॉल में गया, लेकिन वहाँ पे सेल नहीं था बिल्कुल भी। तो ये होता है माया का जाल।
माया खेलेगी खेलेगी आपसे। माया का मतलब फिर उस दिन मुझे क्लिक हुआ कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। और ऐसे मैं मॉल से कभी कोई सामान जल्दी खरीदता नहीं हूँ क्योंकि मुझे फालतू खर्चे पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा दिल किया कि अंदर से पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि चलो मॉल में जाके आज मैं बैग परचेज करता हूँ। थोड़ा क्वालिटी अच्छा होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक के लिए चलेगा। लेकिन जाके देख रहा हूँ तो फिर बाद में मेरे माइंड में आया कि ले लेता तो हो सकता पैसे खर्च हो जाते, तो पैसे मैंने किसी और चीज़ के लिए रखे थे। तो ये होता है माया का जाल। माया आपके साथ खेलेगी और आपका नुकसान करा देगी। मान लो माया ने खेला और आप अपने वो चीज़ कर दी तो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान भी होगा। तो ये सारी पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप कहीं पे भी जाओ, खाओ पियो, हमेशा ठीक रहो। तो सिद्ध पुरुष वालों को ऐसा होना चाहिए कि वह अपनी हर चीजों को कंट्रोल करके रखे, कर्मा में बिलीव करे। और नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये खेलती है कर्मा। कर्मा आएगी ही आएगी, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंक्चुअलिटी की। आप सुबह 8 बजे पूजा कर रहे हो और आप सुबह 7 बजे उठ के ही पूजा करिए। 8 बजे पूजा कर रहे हो, 9 बजे पूजा कर रहे हो तो 9 बजे ही पूजा कीजिए। कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि आप क्यों 10 बजे पूजा कर रहे हो। सुबह उठ के कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन आप इस रूटीन में, आप इस जर्नी में, जो आप अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की सिद्धि है तो आप अपने चीज़ों पे संयम बरते। मतलब 10 बजे कर रहे तो 10 बजे ही करें, अगर रात को 8 बजे कर रहे तो 9 बजे ही करें। ज़्यादा आपको नहीं करना है। खाने पीने का टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट इतने बजे करता हूँ, लंच इतने बजे करता हूँ, डिनर इतने बजे करता हूँ, मीठे में ये खाता हूँ या बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता हूँ, या आज खाना है। तो ये आपको एक ये संयम बरतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी मुंह चला चलाने लग गए। इधर बैठा हूँ तो सिंग दाने खा लिया और उधर बैठा हूँ तो चाय पी ली। इसके घर पे गए तो ये खा लिया और उसके घर पे गए तो ये पार्टी कर ली। नहीं, तो सिद्ध पुरुष वाले लोगों को ये सब करने से बचना चाहिए। मैंने कहा ना सर्कल की बात। सर्कल आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला अंडरस्टैंड करे कि हाँ भाई ये मेरी जैसा ही है, तो ये भी नहीं खाएगा 4 लोगों के बीच में बैठ के। तो ये होता है सिद्ध पुरुष वाले लोग कभी भी किसी के घर में जाके खा पी नहीं सकते। अगर आपको खाना पीना ही है तो मेक श्योर कि वहाँ पे कोई नेगेटिविटी ना आए आपके साथ, और अगर नेगेटिविटी आती है तो आपको भगाने का भी आपको उपाय आना चाहिए और उसको हटाने का भी उपाय होना चाहिए। तो ये होता है बेसिकली सिद्ध पुरुष वालों लोगों की लाइफ। बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, लेकिन मैं बताऊँ बहुत ही ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है इस चीज़ की वजह से। आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो, अच्छा लगता है आपको, ऐसा सोचने लग जाते हो तो नहीं मैं पहले ऐसा करता था या करती थी, अब नहीं कर पा रही। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत खुश रहते हो आप अंदर से बहुत ही खुश रहते हो, और आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे जो भी है मेरे परमात्मा ही है मेरे साथ। मैं जो भी लाइफ लीड की है मैंने अभी तक सब कुछ बेकार किया, और जो मैं आज जी रहा हूँ या आज
जी रही हूँ सिद्ध पुरुष, मतलब सिद्धि मिलने के बाद, वही रियल है। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, मैंने अभी काफ़ी चीज़ें इसमें कवर अप कर ली है, कुछ बचा रहेगा तो पार्ट टू मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल जो मैं मोटा मोटा जो मैंने निकाला है, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मुझे पूरे दिन में हाईलाइट मेरे दिमाग में रहती है, वो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पहले देखो, कौन आ रहा है, कौन आपसे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, इसको किसने बताया मेरे बारे में, ये क्या चाहता है, ये मेरा गुरु क्यों बनना चाहता है, ये मुझसे काम क्यों निकलवाना चाहता है, ये मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है, मेरे साथ खाना क्यों खाना चाहता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है अगर आपके पास सिद्धि है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर सामने वाला कोई बहुत बड़ा तांत्रिक ओझा निकला और वह जीन्स टी शर्ट पहन के आ रहा है और उसने आपसे दोस्ती कर ली, तो आप तो दोस्त बन जाओगे, राइट, और उसको ये दिख गया कि आपके पास सिद्धि है, राइट, तो ये आपके साथ ऐसा कुछ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा कि आप और वो उस एक अकेले फेस पर रहे और वह सिद्धि आपसे लेकर चले जाएगा, है ना। तो ये भी होता है, आजकल मेरे पास आते हैं बहुत लोग, काउंसलिंग लेते हैं और उन्हीं के द्वारा मैं बता पा रहा हूँ, ये चीज़ें भी होती हैं, दुनिया में एग्जिट करती हैं। तो सिद्धि है आप और सिद्धि आपके साथ कोई चल रही है, तो आप सिद्धि को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, ना कि अपने शरीर को, ना ही अपनी ज़्यादा इच्छाओं को, सिद्धि को आप ज़्यादा करोगे। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी सिद्धि आपके साथ चल रही है उसके नाम का भोग प्रसाद देना भी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, ये भी आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, तब यहाँ हम एंड करते हैं और ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय एंड नमस्ते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।